हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आज न्यूज़ आई है वो ये सबरीमाला टेम्पल को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी गाइडलाइन है वो जारी की है कि भाई किसी भी इंसान के साथ धर्म हुआ, जाति हुआ, लिंग हुआ, इसके आधार पर भेदभाव वगैरह नहीं किया जा सकता। तो उसको लेके हम यहाँ पे डिस्कस से देखेंगे आर्टिकल में क्या बेसिक पॉइंट है। कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी गाइडलाइन वगैरह वो क्लियर किए हैं, क्योंकि सबरीमाला टेम्पल में वुमेन की एंट्री को लेके काफ़ी बड़ा इशू रहा है। वहाँ पे वुमेन्स को एंट्री वो नहीं दी जाती थी, उसको लेके सारे बवाल हैं वो सामने आए थे। तो अभी क्या यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए सबरीमाला टेम्पल के बारे में। तो सबरीमाला टेम्पल है वो एक्चुअली केरला में, ये चीज़ हमें यहाँ लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। और हिंदू जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पे जाते हैं बेसिकली, और पेरियार टाइगर रिजर्व है उस वाले एरिया में। इससे पहले भी कुछ टाइम पहले सबरीमाला टेम्पल न्यूज़ में था, क्योंकि उस दौरान पटाखों से वहाँ पे आग लग गई थी, तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसी के साथ ही वुमेन की एंट्री को लेकर भी बहुत बड़ा इश्यूज को लेकर या कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट है वो रहती है। तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है कि भाई सबरीमाला टेम्पल का इशू आखिर है क्या। वेस्टर्न घाट के अंदर आपको पता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व है, और उस पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत एक्चुअली सबरीमाला टेम्पल है वो है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट के अंदर एक पेरियार टाइगर रिजर्व है, उस पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर पे सबरीमाला टेम्पल है। केरला के अंदर इसकी लोकेशन है वो यहाँ पे है। डिस्ट्रिक्ट का नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए, तो वो हमें याद रखने की कोई जरूरत है वो नहीं है। अब यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें सामने आती हैं टेम्पल में एंट्री को लेके। सबसे पहली बात यह है कि देखो वुमेन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो किसी भी मंदिर में कहीं भी जा सकती हैं। ये उनका एक तरीके से संविधान के द्वारा उनको राइट है वो दिया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए सबसे पहली बात यही आ जाती है, तो हमें इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ध्यान है वो रहना चाहिए। इसी के साथ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करें हम सबरीमाला टेम्पल के लिए, देखो एक बात यहाँ पे जो होती है फंडामेंटल राइट की बात, वो होती है आर्टिकल 14, 15 और 21। आर्टिकल 14, 15 और 21 हैं। इसी के साथ ही आर्टिकल 25(1) है वो भी यहाँ पे धर्म की जो प्रैक्टिस वगैरह हैं उनको लेके फ्रीडम है वो प्रोवाइड करवाता है। तो इनके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समान सब लोग समान हैं, मतलब कानून के सामने लोग सब इक्वल हैं। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि ये लड़की है तो इसको नहीं जाने दिया जाएगा, लड़का है तो इसको जाने दिया जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 14 ये वुमेन को राइट देता है कि वो किसी भी टेम्पल वगैरह में एंट्री है वो कर सकती हैं, भगवान की वगैरह पूजा वगैरह कर सकती हैं। इशू देखो बेसिकली उसमें वो रहता है कि फिजिकल जो बॉडी होती है, आप बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल रीजन की वजह से वुमेन को वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट है वो किया जाता है। इसके साथ ही आर्टिकल करें 15 की बात, तो आर्टिकल 15 है वो भी ये कहता है कि धर्म हुआ, जाति हुआ, नस्ल हुआ, या फिर लिंग या फिर जन्म स्थान, इन किसी के आधार पर भी अगर भेदभाव हो रहा है तो वो सही नहीं है, ये अलाउ नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 15। आर्टिकल 21 की बात करें तो वो यहाँ पे कहता है कि व्यक्तिगत फ्रीडम, मतलब हर इंसान की अपनी पर्सनल फ्रीडम है। इसके साथ ही निजता का अधिकार भी आप यहाँ पे पूछे वो कर सकते हो। तो इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट ये दिया है कि भाई यहाँ पे वुमेन की एंट्री है वो अलाउ होनी चाहिए, ऐसा कोई भी इशू वगैरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसको लेके काफ़ी न्यूज़ में भी ये रहा है। आर्टिकल 25 में जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान है उसको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, वो उसकी मर्जी है, करे तो करे ना करे तो ना करे, अगर वो करना चाहता है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। तो इसलिए आर्टिकल 25(1) भी ये कहता है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके साथ ही देखो अभी एक अमेंडमेंट बिल को लेकर न्यूज़ आई है, वो आई है कल ही एक्चुअली, इस बिल को पास है वो किया गया है राज्यसभा से। तो उसको लेके बिल का नाम क्या है? बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018। तो इसमें अभी संशोधन है वो किया गया है, मेनली इसको नया एक्ट बिल है उसका नाम है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक की जगह, तो खैर ये एक्ट बन गया है 2013 को, उसमें संशोधन है वो किया गया था। इसमें बात क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश है वो करते हैं। देखो अभी इसमें नए संशोधन कुछ इस प्रकार किए गए हैं, अगर कोई भी इंसान करप्शन कर रहा है, जैसे कि जो आदमी रिश्वत दे रहा है उसको भी इसमें सजा वो दी जाएगी। पहले देखो ये प्रावधान नहीं था कि अगर कोई आदमी रिश्वत दे रहा है तो उसको सजा नहीं होगी, अब ये क्लियर प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई आदमी रिश्वत देता है तो वो भी सजा का भागीदार है होगा, मतलब वो भी सजा के दायरे में हो जाएगा। इसके साथ ही एक ये है कि 7 साल की सजा है वो यहाँ पे दी जाएगी, पहले सजा थी 5 साल की थी मिनिमम, अब सजा की भी बढ़ा दी गई है कि अगर कहीं भी करप्शन वगैरह होता है तो 7 साल की सजा बेसिकली दी जाएगी। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। इसके साथ ही अहम बात करें तो ये किया गया है कि अगर कोई भी करप्शन का केस होता है उसको 2 साल के अंदर है वो खत्म करना होगा, मतलब 2 साल के अंदर उसका निपटारा कंप्लीट है वो करना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान है वो रखने की इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही जो फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल था जिसमें एक्चुअली जो भगोड़ा विधेयक लाया गया था उसको भी यहाँ पे अनुमति है वो दे दी गई है। उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी इंसान है वो इंडिया के अंदर कोई भी मतलब इस तरीके से भगोड़ा वगैरह बन जाता है, जो बैंक वगैरह का पैसा टाइम पर नहीं रिटर्न करता है, तो उसको एक्चुअली अगर भगोड़ा बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी वो सीज कर ली जाएगी, चाहे वो फॉरेन में चला गया हो कहीं भी चला गया हो, उसकी कहीं भी प्रॉपर्टी हो सारी प्रॉपर्टी उसकी सीज है वो कर ली जाएगी। तो ये दो अमेंडमेंट है वो किए गए थे, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि करंट में चल क्या रहा है, इसलिए हमने इसको डिस्कशन को किया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक बिल और है वो है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन बिल
2018, ये एक्चुअली एंटी ट्रैफिकिंग बिल है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देख लेते हैं कि है क्या इसमें। सबसे पहली बात तो आती है कि एंटी ट्रैफिकिंग होता क्या है, ट्रैफिकिंग का मतलब समझते हैं। देखो, अगर कोई भी इंसान हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई भी बच्चा हो या कुछ भी को भी, अगर उसको एक स्थान से दूसरी जगह उसको मतलब ले बहला फुसला के ले जाया जा रहा है, या तो शादी के झांसे से लेके जाया जा रहा हो या फिर किसी जॉब के झांसे से, मतलब उसके ट्रैफिकिंग की जा रही है, उसको झूठा बहला के लेके जाया जा रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पे ट्रैफिकिंग बिल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब का झांसा दे दिया जाता है कि आपको यहाँ से वेस्ट बंगाल लेके चलेंगे, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह दी जाएगी। बेसिकली ये काम वो वुमेन के साथ ज़्यादा किया जाता है, मतलब उनको से में लेके ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे उनसे या तो सेक्स वर्किंग के काम करवाए जाते हैं, या फिर उनको फोर्सफुली लेबर वगैरह करवाई जाती है, या फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। इस तरीके के गलत काम है वो उनसे कहीं नहीं करवाए जाते हैं, और यही होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसको एक्चुअली हमारा संविधान है वो क्लियर बैन करता है कि भाई ये अलाउ नहीं है। तो अभी उसको लेके गाइडलाइन वगैरह जारी की गई थी, और इसको लेके एक नया बिल है वो आया था। इस बिल में देखो ये प्रावधान किए गए, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं वो यहाँ पे आए हैं। ये प्रावधान है कि देखो, देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक चीज़ सामने आई, बेसिकली यहाँ पे बात की गई एशिया की, कि एशिया के अंदर जो साउथ एशिया वाला रीजन है ना, बेसिकली इसमें इंडिया इंक्लूड होता है, इंडिया और जो म्यांमार वाला ये इधर कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज, ये वाला एरिया, ये मतलब साउथ एशिया के एरिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सेक्सुअल वर्किंग जैसे काम है वुमेन से वो करवाए जाते हैं, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं देह व्यापार जैसे में दखल दिया जाता है। तो इसके आधार पे भी राइटर ये कह रहे थे, देखो काफी अच्छी बात है कि इंडिया इसके ऊपर एक एक्ट बनाना चाहता है, ताकि अगर कहीं भी वुमेन की ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है तो उसको जो भी सजा पाने वाला भागीदार होगा उसको सजाए वो दी जाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी। इसके अलावा इसमें यह प्रावधान करने की बात है कि जो भी विक्टिम होगा उसको सुरक्षा दी जाएगी, इसके साथ उसको सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही अगर कोई भी सेक्सुअल वर्कर वगैरह है तो उसको वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर उसको रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा, उसकी प्राइवेसी उसका भी ध्यान रखा जाएगा। जब भी कोर्ट वगैरह में केस चलेगा तो उसकी एक तरीके से पूरी जो आप बोल सकते हो कि प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी, राइट टू प्राइवेसी को भी यहां पे फोकस है वो किया गया है। तो ये चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी है। इसमें गाइडलाइन में ये प्रावधान किया गया है कि भाई अगर कोई भी इस तरीके के एंटी ट्रैफिकिंग गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा या फिर 1,00,000 रुपये का जुर्माना कम से कम वो होगा। तो ये इसमें गाइडलाइन। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है कि अगर देखा जाए तो इंडिया में जो एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो है उसका काम कौन करेगा, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो इंडिया में एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो के तौर पर यहाँ पे काम है वो करने वाली है। तो ये फैक्ट एक यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिस पर बेसिकली यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ आई है वो ये चाइल्ड मैरिज को लेकर क्या है, हम देख लेते हैं। देखो कंटेक्स्ट है वो भी हम देख लेते हैं, पूरा सीन देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है, इंडिया में चाइल्ड मैरिज अलाउ है या नहीं है। देखो इंडिया में चाइल्ड मैरिज है वो इलीगल है, अलाउ तो नहीं है, बट अगर ये चाइल्ड मैरिज होती है तो उसको मान्य किया जाता है। ऐसा नहीं कि चाइल्ड मैरिज मान्य नहीं है इंडिया में, अगर चाइल्ड मैरिज हो गई वो गलत है बट उसको मान्य है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में अभी तक चाइल्ड मैरिज है वो मान्य है, मतलब वैलिड ही नहीं इंडिया। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने चाइल्ड मैरिज की हो तो वैलिड नहीं होती, यहाँ पे वैलिड होती है बट वो गलत है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज इंडिया में एक तरीके से अलाउ नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मान्य है वो होती है। इसके साथ ही यहाँ पे बात अब क्या की जा रही है, अब कंटेक्स्ट देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ना, उसने ये डिसाइड किया है कि चाइल्ड मैरिज है वो इंडिया में खत्म कर दी जाए, मतलब उसको वैलिड ही नहीं रखा जाए। अभी तक तो क्या है कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज वैलिड है, अगर चाइल्ड मैरिज हो गया तो मतलब हाँ वो मान्य है, उसके बाद से वो 18 साल का हो तो कोई इश्यू नहीं होता है। बट यहाँ पे अभी ये डिसाइड किया गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा कि भाई अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है उसको ही वैलिड नहीं किया जाए, मतलब चाइल्ड मैरिज को माना ही नहीं जाना चाहिए, ये इनवैलिड है वो किया जाए। तो इसको लेके अभी फोकस है वो किया जा रहा है, मतलब उसको सुनने की तरफ बढ़ाने की तरफ फोकस है वो किया जा रहा है। अभी देखो रिसेंटली क्या प्रावधान है हमारे देश में चाइल्ड मैरिज को लेकर, क्या क्या एक तरीके से सीनेरियो है वो हम देख लेते हैं। अभी हमारे देश में ये है कि अगर कहीं भी चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो वो मान्य तो वैलिड तो होती है, इसके साथ ही बात करें तो अगर उसको इनवैलिड करना हो या फिर उसको शून्य करार करना हो तो उसकी गाइडलाइन कुछ ऐसे होती हैं कि शादी मतलब जो सॉरी 18 साल की अगर जब उनकी एज हो जाती है नाबालिग की, उस कंडीशन के बाद क्या होता है, दोनों के पेरेंट्स होते हैं वो आपस में डिसाइड करके मजिस्ट्रेट जो कोर्ट होता है जिले का वहाँ पे आपस में एक तरीके से आपसी रजामंदी से उसको कैंसिल वो कर सकते हैं, तब वो इनवैलिड वहाँ पे होती है, ये बेसिकली प्रोसीजर है। तो अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये चाहती है कि भाई चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल भी वैलिड नहीं रखा जाए, इसको स्टार्टिंग से शून्य कर दिया जाए, इसको लेकर भी नया एक्ट वगैरह बनाने की बात है वो की जा रही है। तो ये तो था कंटेक्स्ट। अब हम चलते हैं आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आता है कि देखो इस साल वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को एक अवार्ड मिला था जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, जिसका नाम है यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड। ये यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड है वो यूएन के द्वारा बेसिकली दिया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने चाइल्ड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इसके साथ ही देखा दे तो चाइल्ड जो
चाइल्ड मैरिज हो रही है उनको भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उन्होंने कम किया था, मतलब चाइल्ड मैरिज को कम किया था, इसके साथ ही उन्होंने चाइल्ड एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया था, इसको लेके यूएन ने ये अवार्ड है वो दिया था। तो आपको बेसिकली यूपीएससी पूछ सकती है कि यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड है वो किस लिए दिया जाता है, तो ध्यान रखना कि चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए बेसिकली अवार्ड है वो दिया जाता है। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव भी था जिसका नाम है कन्याश्री प्रकल्प। ये कन्याश्री प्रकल्प जो योजना है इसमें बेसिकली जो भी बच्ची का जन्म होता है परिवार में तो उसके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाया जाता है ताकि वो अपनी एजुकेशन वगैरह है वो कंटिन्यू रख सके। इसके लिए बेसिकली स्कीम है वो चलाई गई है, तो ये हमें ध्यान रखनी है, दोनों न्यूज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हो जाती हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे लिए आई है वो आई है आर्टिकल 161 के बारे में। आर्टिकल 161 है क्या, कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट ये है कि अभी होम मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि भाई जो भी प्रिजनर्स जेल में कैदी वगैरह हैं जो कि डिफरेंटली एबल हैं या फिर ऐसे कैदी हैं जिनकी कोई भी मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनको सज़ा वगैरह उनकी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, वो असहाय हैं, बूढ़े हो गए हैं काफ़ी, तो उनको एक्चुअली अभी जेल से रिहा है वो कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी महात्मा गांधी जी की 150वीं एनिवर्सरी आने वाली है इस बार, तो उस मौके पर उनको रिहा करने की बात है वो की जा रही है। ये ध्यान रखना है सभी कैदियों को रिहा नहीं किया जा रहा है, कुछ लिमिटेड कैदी हैं उनको ही रिहा किया जाएगा, या तो वो डिफरेंटली एबल हो या फिर वो काफ़ी बूढ़े हो गए हो या फिर उनको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं हो, उस कंडीशन में उनको रिहा है वो किया जाएगा। तो डिफरेंट फेजेज में इनको रिहा किया जाना है, इसको लेकर गाइडलाइंस वगैरह जारी हो की गई हैं, तो अभी कैबिनेट ने इसको अनुमति दे दी है। ये सारा कंटेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है। अब देखते हैं क्या है, तो कौन से आर्टिकल के तहत ये काम किया गया वो हमें ध्यान रखना है। तो इसमें देखो गवर्नर को पहले एक तरीके से कहा गया है, तो गवर्नर साहब हैं वो अपनी जो क्षमादान की जो शक्ति होती है उसके आधार पे एक्चुअली ये पावर का यूज़ है वो करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात की जाती है जब गवर्नर की क्षमादान की शक्ति, तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जाती हैं, एक तो हमारे गवर्नर की क्षमादान की शक्ति और जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी क्षमादान की शक्ति है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती हैं। देखो गवर्नर की जो पैराडोन शक्ति है की बात करते हैं, पैराडोन की शक्ति वो होती है आर्टिकल 161 के तहत, ये ध्यान रखनी है, और बात करें प्रेसिडेंट की तो वो होती है आर्टिकल 72 के तहत। ये तो होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला ही। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर किसी भी इंसान का कोर्ट मार्शल हो गया है उसके बाद उसको सजा दी गई है तो वो केवल और केवल प्रेसिडेंट है, वो क्षमादान के तहत उसको एक तरीके से मतलब खत्म है वो कर सकते हैं या क्षमा वो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी भी इंसान को मृत्युदंड दिया गया है उस कंडीशन में भी अगर उसको क्षमादान उसको क्षमा करना है तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति उसको केवल क्षमा है वो कर सकते हैं। इन दो केसेस के अंदर, कोर्ट मार्शल के केसेस में और मृत्युदंड के केस में, केवल और केवल क्षमादान की शक्ति वो प्रेसिडेंट के पास होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी और मामलों में गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों की क्षमादान की शक्ति वो इक्वल होती है, बस ये दो ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिए हैं। देखो एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आया होगा कि भाई हमारे देश में फिर क्षमादान की शक्ति की जरूरत क्यों है। देखो जो पैराडोन की शक्ति की बात की जा रही है, पैराडोन पावर, वो इसलिए यूज की जाती है ताकि हो सकता है कि हमारी जुडिशरी से कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, उस कमी को सुधारने के लिए उसमें रिफॉर्म लाने के लिए बेसिकली इसका यूज है वो किया जाता है। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाती है, आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72 हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अभी होगा क्या, गवर्नर को अभी गवर्नर क्या डिसाइड करेंगे, गवर्नर अपनी क्षमादान की शक्ति का यूज़ करते हुए जो भी जेल वगैरह में कैदी हैं जिनको एक्चुअली रिहा करना है उनके लिए अपनी आदेश का यूज़ है वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे लिए आर्टिकल आया है वह है राइट टू एजुकेशन बिल 2017 को लेके। तो राइट टू एजुकेशन बिल 2017 है, इसको लेके गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइन वगैरह जारी है वो किए हैं, बेसिकली यहाँ पे लोकसभा ने इसको पारित है वो कर दिया है, ये भी यहाँ का कंटेक्स्ट है। अब बात यहाँ पे आती है, एक वर्ड आता है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब ये है कि देखो हमारे देश में क्या है, पहले राइट टू एजुकेशन के तहत ये प्रावधान किया गया था कि पहली क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं करता है, चाहे वो दूसरी क्लास में फेल हो गए तो भी उसको पास ही करना होता था, मतलब फेल कर ही नहीं सकते आप उसको, आपको वापस अगली क्लास में मतलब ऑटोमेटिक प्रमोशन होता था आठवीं क्लास तक। बच्चे ने फर्स्ट क्लास कर ली उसके बाद उससे जो स्कोर कैसा भी रहा उसको सेकंड क्लास में रखा जाएगा, फिर उसको थर्ड में रखा जाएगा, फिर फोर्थ का, मतलब सीधी सी बात यह है कि उसको आठवीं क्लास तक आप फेल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक वो पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये स्टेप वो रहती थी। तो अभी इसे नो डिटेंशन इस पॉलिसी को यहाँ पे एबोलिश है वो कर दिया गया है, तो उसको लेके ये कंटेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है। पहले देखो जीरो से ध्यान रखना, सॉरी पहली से आठवीं क्लास तक के लिए गाइडलाइन है वो जारी की गई थी, तो अभी क्या प्रावधान किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। अभी ये प्रावधान किया गया है कि अगर भाई कोई भी बच्चा पांचवी क्लास में फेल हो जाता है तो उसको पहले एक बार तो क्या है उसको दोबारा एडिशनल मौका दिया जाएगा, मतलब दोबारा उसको मौका दिया जाएगा, जैसे एग्जाम का रिजल्ट अभी आ गया तो दो महीने का उसको मौका दिया जाएगा कि वो दोबारा री एग्जाम में बैठे और उसको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, दोबारा इसके उसको पूरे इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, स्किल वगैरह दी, स्किल का मतलब यहाँ पे है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि वो पास हो जाए। अगर वो दो महीनों के बाद जो एग्ज़ाम होती है उसमें फिर से फेल हो जाता है तो उसको फिर वापस दोबारा क्लास वो करवाई जाएगी। पहले क्या था,
अगर बच्चे ने पांचवी क्लास में फेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको पास करने आपको फेल आप उसे कर ही नहीं सकते। मतलब पहली से आठवीं क्लास तक पहले फेल नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं था, केवल आपको बच्चे को हर साल पास करना है। बी ए कर दिया है कि अगर बच्चा पांचवी क्लास में है, उस कंडीशन में अगर वो फेल हो गया तो उसको 2 महीनों का टाइम दिया जाएगा, री एग्जाम करवाई जाएगी, अगर उसमें भी वो फेल हो गया तब उसको वापस 2 पांचवी क्लास करनी पड़ेगी। और यही काम किया है आठवीं क्लास के लिए, मतलब केवल पांचवी और आठवीं क्लास के लिए गाइडलाइन की गई है कि अगर बच्चे को फेल हो रहा है तो उसको दोबारा 2 महीने का मौका दिया जाए, फिर उसे आगे बढ़ने का चांस मिले। अगर वो फिर फेल हो जाता है तब उसको दोबारा पांचवी और आठवीं क्लास ही वो करवाई जाएगी। ये बेसिकली यहाँ पे स्टेप है वो उठाया गया। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और आता है हमारे लिए, जो होता है टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी है, वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को लेके आई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी आती है, वो आती है एजुकेशन के लिए। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, यूपीएससी की बार मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली पूछ लेती है। इसके जैसे मैंने आपको बताया कि नो रिटेंशन पॉलिसी है, उसको यहाँ पे अभी एबोलिश या खत्म करने की बात है, वो की गई थी। मतलब ऑटोमेटिक जो प्रमोशन होता था आठवीं क्लास तक बच्चे का, उसको यहाँ पे खत्म है, वो किया जा रहा है। तो ये जो कंटेक्स्ट वगैरह था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है नेल्प और हेल्प के बारे में, तो ये देख लेते हैं कि क्या नेल्प है और क्या हेल्प है, क्योंकि इसके बारे में भी बेसिकली यूपीएससी पूछ सकती है। नेल्प है देखो वो है न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये एक्चुअली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे जमीन वगैरह से निकाले जाते हैं, इवन आप बोल सकते हो कि ओशन वगैरह से निकाल जाते हैं, उनके लिए नई गाइडलाइन पॉलिसी वगैरह है। इसके साथ ही हेल्प करें वो है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो कंटेक्स्ट ये है कि नेल्प है और हेल्प है, इनमें भी गवर्नमेंट ने कुछ एक तरह से छूट है वो की है, तो उसको लेके तो कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि नेल्प क्या है और हेल्प क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो जो नेल्प न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो आई थी 1999 में, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों आई थी? ये बेसिकली आई थी कि भाई जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है ना, उनको एक्चुअली इक्वल प्लेटफॉर्म या इक्वल मौका दिया जाएगा हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए। ये थी नेल पॉलिसी, ये आपको ध्यान रखना, इक्वल मौका इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको दी जाएगी। और बात करें हेल्प की जो आई थी 2016 में, तो ये काफ़ी सुर्खियों में भी रही थी। हेल्प का मतलब यहाँ पे था हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसमें ये प्रावधान किया गया था कि एक काम के लिए एक लाइसेंस, जैसे कि मान लो किसी ने भी किसी एरिया में खोज वगैरह रिसर्च वगैरह की तो वहाँ पे ऑयल मिला, तो इसलिए वहाँ पे उसको लाइसेंस मिल गया। अब देखो हो सकता है कि वहाँ पे ऑयल मिला है तो ऑब्वियसली गैस भी मिलेगी वहाँ पे, और भी जैसे कोल बेड मीथेन भी मिल सकती है। तो अगर इन तीनों के लिए अलग अलग लाइसेंस दिए जाएंगे तो वहाँ पे आपस में उन कंपनियों में लड़ाई हो जाएगी, एक बोलेगी नहीं भाई यहाँ पे मैं खोदूंगी आप साइड में हट जाओ, ऐसे ऐसे इशू वहाँ पे आ सकते हैं। इसलिए अभी क्या गाइडलाइन जारी की गई थी 2016 में, वो ये थी कि भाई एक ही लाइसेंस मिलेगा। मतलब आपने वहाँ पे खोद वगैरह की और आपको वहाँ पे ऑयल मिल गया, तो ऑयल मिलने के बाद आपको वहाँ पे अगर कुछ भी मिल रहा है, जैसे आपको पहले गैस मिली उसके बाद आपको ऑयल मिल रहा है, तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। मतलब सिंगल लाइसेंस मिलेगा आपको, उसके बाद आप वहाँ पे ऑयल भी निकाल सकते हो, गैस भी या कोल बेड मीथेन भी, मतलब उस एरिया का लाइसेंस आपको मिल गया, उसके बाद सारे काम उस एरिया में आपको ही करना है, कोई दूसरी कंपनी को वहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। तो सिंगल लाइसेंस पॉलिसी इसमें लाई है वो गई थी, इससे कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएंगी। दूसरी बात यहाँ पे ये इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल था। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले गवर्नमेंट ये करती थी कि भाई पहले ये प्रावधान था, पहले तो था प्रॉफिट शेयरिंग कि पहले तो आप अपना खर्चा वो भुगत लो, उसके बाद प्रॉफिट जो आपको हो रहा है उसके आधार पे गवर्नमेंट को शेयर देना पड़ता था। बट अभी गवर्नमेंट ने यह कर दिया कि भैया प्रॉफिट का हमें नहीं पता आपको हो रहा हो नहीं हो रहा, रिवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। अगर आपने एक दिन में 100 करोड़ रुपये भी कमाए तो आपको उसका हिस्सा बनता है हमारा, वो आपको देना होगा, चाहे आप घाटे में जाओ या प्रॉफिट में, हमें उससे कोई लेना नहीं। मतलब यहाँ पे रिवेन्यू शेयरिंग है वो किया गया है। इसके बाद में बात की जाए मार्केटिंग वगैरह, वो भी यहाँ पे अलाउ वगैरह की गई है। तो ये कुछ गाइडलाइन वगैरह की इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बात करें हेल्प की, तो उसके अंदर एक पॉलिसी और है जिसका नाम है ओपन एंकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ओपन एंकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि ये मान लो कि किसी भी एरिया में कोई ना कोई ये कोई रिसोर्सेज वगैरह मिल गए हैं, ये मान लो कि वहाँ पे कोई गैस का ब्लॉक है, जैसे ये मान लो इंडिया का एरिया, यहाँ पे मुंबई वाले एरिया में कोई भी गैस का ब्लॉक है गवर्नमेंट के पास। अब ये गवर्नमेंट इस एरिया का क्या करिए, गैस का जो ब्लॉक है, गैस जो मिली इस वाले एरिया में, अगर इसकी गवर्नमेंट बोली वगैरह ऑक्शन वगैरह नहीं लगा रही है, उस कंडीशन में अगर कोई कंपनी है वो अगर इंटरेस्टेड हो जाए कि हाँ यार इस वाले एरिया में मीथेन या गैस वगैरह यहाँ पे है, तो क्यों ना मैं इसके लिए गवर्नमेंट को बोलूँ कि भैया आप बोली वगैरह लगाइए और मैं इसको खरीद दूँ। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंपनी खुद गवर्नमेंट को जाके बोलेगी कि भैया आप इस एरिया के लिए जो बोली वगैरह ऑक्शन है वो लगवाइए ताकि हम इसको खरीद सकें। ये बेसिकली इसमें प्रावधान हो क्या, मतलब ओपन इंक्रेज, मतलब इसमें कंपनी को मौका दिया जाएगा कि भाई वो खुद आके बोले कि हाँ भाई मेरे को इस वाले एरिया के ऑक्शन के लिए मौका दिया जाए, आप यहाँ पे बोली वगैरह रखवाइए और फिर हम आगे देखेंगे। ये काम बेसिकली किया जाएगा ओपन एंकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। देखो हमने मेक के बारे में डिस्कस किया था, जो मिसाइल वगैरह की या स्पीड वगैरह होती है इनके बारे में, तो हम एक बार देख लेते हैं कि मेक होती क्या है। मेक नंबर में बेसिकली इनकी स्पीड है नोट की जाती है। मेक का देखो इससे सीधा मतलब आपको बताऊँ तो आप ये ध्यान रख लेना कि साउंड की स्पीड होती है, अगर उस स्पीड के इक्वल कोई भी विमान जा रहा है तो उसकी मेक स्पीड होगी 1।
मतलब किसी जो भी विमान है उसकी स्पीड और साउंड की स्पीड को डिवाइड करेंगे तो आएगा मेक नंबर। तो सीधा सीधा मतलब ये होगा, अगर मेक नंबर कम है तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी स्पीड है वो साउंड से कम है, तो उसको बोलेंगे सबसोनिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसोनिक का मतलब होता है उसकी स्पीड मेक से कम है, मतलब एक मेक से कम हो गई। बात करें ट्रांसोनिक की, तो ट्रांसोनिक का मतलब ये होता है कि मेक स्पीड है वो एक के बराबर होती है, मतलब कोई भी विमान या कोई भी मिसाइल जिसकी स्पीड हवा की स्पीड के बराबर होती है तो वो होगी यहाँ पे ट्रांसोनिक, और कोई भी विमान जिसकी स्पीड है वो हवा से ज़्यादा होती है तो वो हो गए यहाँ पे सुपरसोनिक, और कोई भी विमान जिसकी स्पीड है वो 5 गुना ज़्यादा होती है हवा से, मतलब हवा की स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा हो, वो होगी हाइपरसोनिक। तो ये आपको बेसिकली ध्यान है वो रखनी है, 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हो जाते हैं, हो सकता है यूपीएससी कभी पूछ ले। इसके अलावा देखो 2-3 फैक्ट्स डाटा वगैरह थोड़ा हो सकता है एग्जाम में आंसर राइटिंग में बेसिकली आपको काम है वो आ सकता है, तो आपको बता देता हूँ। देखो ये मेरिज को लेके यहाँ पे कुछ डाटा वो दिया गया है, एक्चुअली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसका डाटा है 2015-16 का, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि हमारे देश के अंतर्गत देखा जाए तो 18 साल से जो कम एज की जो लड़कियाँ हैं वो 26% ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी कर दी गई, मतलब 18 साल से कम उम्र की 26% लड़कियों की शादी हमारे देश में कर जाती है, एक सर्वे की रिपोर्ट है। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया 2011 के सेंसस का डाटा कि हमारे देश में लगभग 2.3 करोड़ चाइल्ड मैरिज है वो हो चुकी हैं, ये कुछ डाटा वगैरह यहाँ पे थोड़ा दिया गया है। इसके साथ ही बात करें तो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 2015-16 है, उसने ये बताया कि जो कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं हमारे देश में जिनकी एज 15 से 19 साल है और वो एक्चुअली मतलब प्रेगनेंट है और वो माँ भी बन चुकी हैं, तो मतलब कहीं देखा जाए तो उनकी चाइल्ड मैरिज है वो यहाँ पे की गई थी, तो उसको लेके कुछ डाटा वगैरह था, तो हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए, तो आप इसको थोड़ा नोट डाउन करके रख सकते हो। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।